हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर इंजीनियर दोस्त। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है हमारी, ये नौनी से लेके भराड़ी वाला जो गांव है अपना, इसकी वीडियो होने जा रही है। यहां पे भी रोड का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि रेलवे ब्रिज के चलते थोड़ा काम बढ़ गया है इसमें, वरना ये काम कम्प्लीट हो चुका था। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होने जा रहा है। ये देखो, ये इधर भराड़ी विलेज पड़ता है और जो सामने आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये रेलवे ओवर ब्रिज है यहाँ पे, जो कि रेलवे लाइन के चलते बाद में आया है। इसी के चलते ये वाले हिस्से की वाइडनिंग करनी पड़ी है हमें। ये रोड पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था, इसमें बस बीसी करना बाकी था हमारा, लेकिन रेलवे लाइन के चलते इस काम को दोबारा से करना पड़ रहा है हमें। ये देखो, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे रोड के वाइडनिंग की हमने। ये देखो, ये जो कलवर्ट है, ये कलवर्ट भी 7-8 मीटर के करीब और वाइडन की है। इस ब्रिज के साथ ही रेलवे की टनल नंबर 16 है, जिसका 2-3 दिन में ब्रेक थ्रू होने वाला है। यानी ये टनल की डिसमेंटलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये टनल से हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते में से निश्चित सकेंगे, लेकिन वो भी खाली कंपनी के व्हीकल के लिए अलाउ रहेगा, आम पब्लिक यहाँ से नहीं जा पाएगी अभी। ये देखो, यहाँ पे कलवर्ट का पड़ने का काम चला हुआ है। इस बूम प्लेसर से अभी कंक्रीट की है हमने। ये रास्ता अभी टेम्परेरी ओपन है, लेकिन रोड के काम के लिए इसको जल्दी ही हमें बंद करना पड़ जाएगा, जिससे ऑब्वियसली पब्लिक को थोड़ी ही प्रॉब्लम तो होगी। ये देखो, इधर रोड वाइडनिंग का काम चला हुआ है हमारा। अब यहाँ पे आरे वाल लगाना शुरू करेंगे ब्रिज के साथ से ही, ताकि इसमें बैकफिलिंग का काम कर सके हम। ये देखो, जो आरेवाल की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पे खुदाई कर दी है इसकी, पहले इसकी कंक्रीट करके इस पर पैनल इरेक्शन का काम शुरू कर देना है। ये देखो, इधर से यहाँ पे ये आरेवाल लगानी पड़ेगी। ये देखो दोस्तों, इसका एक्सप्रेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इधर ब्रिज के लिए गर्डर असेंबलिंग शुरू करती है, जो कि हम 5-6 दिन के अंदर इसकी इरेक्शन चालू कर देंगे, जिससे इसमें भी स्लैब का काम शुरू कर सके। ये जो कैप है, एयर कैप, इसका शटरिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें डिस्टर्बेशन बार लगा के इसमें शटर लगा देंगे हम, जिससे 3 दिन के अंदर कंक्रीट कर देंगे। ये देखो, गर्डर असेंबली का काम प्रोग्रेस में है।
अभी इस ब्रिज की एक तो ये वाली कैब बची हुई है और एक वो वाली कैब, बाकी इस ब्रिज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखो जो टनल के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, उस टनल नंबर 16 का पोर्टल नंबर 2 इधर है। ये नमस्कार, ये देखो इधर टनल वाली कंपनी की मशीनरी इधर खड़ी होती है। ये वाली टनल है, टनल नंबर 2 पोर्टल नंबर, टनल नंबर 16 पोर्टल नंबर 2। और जो हमारी लास्ट और रिपेयर कैप रहेगी जो कि 4 लेन के अंडर में आती है, उसकी कैप ये है। इसमें भी स्टेजिंग का काम शुरू कर रखा है लेबर बंदों ने, 10 दिन के अंदर इसको भी कंप्लीट कर ही देंगे हम। इस ब्रिज की गेट वाली साइड ये है, यहाँ से ये रोड होते हुए भराड़ी विलेज की तरफ चला जाएगा, जो कि भराड़ी वाला जो मेजर ब्रिज है हमारा, जो ऋषिकेश के साथ भराड़ी को कनेक्ट करता है, उस वाले ब्रिज में जाके कनेक्ट हो जाना है ये रोड हमारा। इस गेट साइड में भी आरे वाला का काम शुरू कर रखा है हमने। देखो इधर कंक्रीट की वाल लगा के इसके ऊपर से ब्रस्ट वर्क का काम शुरू कर देंगे हम। ये इस ब्रिज की ए टू साइड है, जो हमारा रेलवे ओवर ब्रिज है। तो ये वाला रोड आगे चल के भराड़ी विलेज में कनेक्ट हो जाना है। ये देखो अभी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, जो कि ये जबली वाला रोड है। ये देखिए जो जबली से रोड आ रहा है वो ये वाला रोड, ये आगे चल के जबली विलेज में कनेक्ट हो जाएगा, जो कि फिरोजा फैक्ट्री के पास पड़ता है। ये हमारे सतलुज रिवर, जो पिछली बहुत वीडियो में हमने आप देख चुके होंगे। ये देखो दोस्तों, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने शुरू हो गई अभी। हालांकि इसके चलते जो काम करने वाले बंदों को तो परेशानी होती है, लेकिन जो लोकल पीपल हैं उनको बड़ा मज़ा आ रहा है इसके चलते, उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो जा रही है। ये देखो दोस्तों, पहले इस वाले हिस्से में पानी भरा था, जो कि पिछले 8 से 10 दिनों में काफ़ी पानी का लेवल कम हो गया है यहाँ पे, और धीरे धीरे ये बिल्कुल
नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, जैसे पहले पानी रहता था इसमें, जो कि टर्बाइन के खोलने से ही चलता है पानी, वैसे तो उसमें बंद ही रहता है। सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये भाड़े से रिश्ते से जोड़ने वाला मेजर ब्रिज है, जिसकी वीडियो मैं काफ़ी बार डाल चुका हूँ। तो आज का वीडियो डालने का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा खाली आपको करंट स्टेटस से अपडेट कराना ही था, ताकि आपको यहाँ के वर्क प्रोग्रेस की पूरी डिटेल मिल सके। ये देखिए, इसके आगे हमारा फोर लेन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, जिसमें हमने काला माल कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इम्पोर्टेंट अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ सकूँ। अभी मैं कैंची मोड़, जो कि अपना स्वारघाट की तरफ बढ़ता है, एक दो दिन में वहाँ के जाके वहाँ की करंट स्टेटस भी पता कर लूँगा काम का क्या है, और आपको ज़रूर उसकी वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपको वहाँ की सिचुएशन के बारे में भी पता लग सके कि काम की क्या अपडेट है वहाँ से। तो थैंक यू दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।